तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। महज 2 साल पहले 2017 के यूपी चुनाव के दौरान यूपी के ये दो लड़के एक दूसरे के साथ गलबहियां करते हुए चुनावी जंग में बीजेपी को हराने का दम भर रहे थे, दोस्ती की कस्में खा रहे थे, लेकिन चुनावी मौसम में हुई दोस्ती 2 साल में ही दम तोड़ गई। 2019 की चुनावी जंग के ऐलान के बाद से अब तक एक दूसरे पर हमले से बचते आ रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब एक दूसरे पर बरस रहे हैं। कल तक एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले अब एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। जिस अखिलेश को कल तक कांग्रेस का साथ पसंद था, अब वही उन्हें धोखेबाज नजर आने लगी है। कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज पार्टी है। अखिलेश का गुस्सा कांग्रेस पर यूं ही नहीं फूटा है, दरअसल इसकी शुरुआत राहुल गांधी के एक बयान से हुई। 18 अप्रैल को यूपी के बदायूं में एक रैली के दौरान एसपी और बीएसपी को निशाने पर लेते हुए राहुल ने कहा था कि ये दोनों दल मोदी जी से डरते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। जो हमारे समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के नेता हैं, उनके मुंह से आपने ये कभी शब्द सुना कि चौकीदार चोर है? कभी बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। उनकी हिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बीएसपी और समाजवादी की चाबी है। राहुल गांधी के इसी बयान ने अखिलेश की त्योरियां चढ़ा दी। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी करार दिया, बल्कि उस पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप भी जड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि वे वही कांग्रेस है जिसने उनके और नेताजी के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल किया। वही कांग्रेस के लोग जो हमसे कह रहे हैं कि हमें डर है ईडी और सीबीआई से, हमें कोई डर किसी संस्था से नहीं है, क्योंकि हमारी जांच कांग्रेस ने कराई और जिस व्यक्ति ने पीआईएल की थी वो कांग्रेस का आदमी है। यूपी में कांग्रेस ने एसपी बीएसपी और आरएलडी के साथ महागठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जितनी सीटें चाहती थी उसके लिए महागठबंधन तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो गई। अब कांग्रेस यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि अब 2017 की दोस्ती को भुलाकर यूपी के ये दोनों लड़के एक दूसरे के खिलाफ शब्दों के बाण चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।